अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे देश जिनके बीच हमेशा से खट्टे मीठे रिश्ते रहे और इन दोनों देशों को अलग करने वाले बॉर्डर को कहा जाता है ड्यूरेंट लाइन। दशकों से ये बॉर्डर सोशल पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन का केंद्र बना हुआ है। इस बॉर्डर का समझौता 1983 में ब्रिटिश इंडिया और डिप्लोमेट मोर्टिमर ड्यूरेंट ने किया था, जिनके नाम पे इस बॉर्डर का नाम भी रखा गया। ड्यूरेंट और उस समय के अफगानिस्तान लीडर अब्दुल रहमान खान के बीच ये समझौता हुआ। दरअसल ये बॉर्डर 2670 किलोमीटर लंबा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पश्तून टेरिटरी खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के बीच से कटता हुआ जाता है, जैसे कि दोनों तरफ की पश्तून ट्राइब्स को अलग अलग रहना पड़ता है। एग्रीमेंट की शुरुआत में इसका मकसद ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री को डिफाइन करना था और रशिया और ब्रिटिश एम्पायर के बीच एक बफर जोन स्टैब्लिश करना भी था, लेकिन ड्यूरेंट लाइन पश्तून ट्राइब से कंसल्ट किए बिना ड्रॉ की गई, इसलिए पश्तून को ये लगता है कि ये उनकी जमीन उनके कंसेंट के बिना बांट दी गई। 1947 में पाकिस्तान की फॉर्मेशन के बाद ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ऑफिशियल बॉर्डर बन गया, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि ड्यूरेंट लाइन उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था और इस लाइन को एक लेजिट इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में रिकॉग्नाइज करना गलत। इस बात से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफी डिस्प्यूट्स और टेंशन पास में भी रहे और अभी भी हो रहे हैं। तालिबान के टेक ओवर करने से पहले वाली गवर्नमेंट्स ने भी बॉर्डर को लेजिट मानने से इनकार कर दिया था और इवन तालिबान भी इसको बॉर्डर मानने से इनकार कर रहे हैं। आए दिन बॉर्डर पर अफगानिस्तान फोर्सेज और पाकिस्तान फोर्सेज के बीच फायरिंग और काफी वायलेंस देखने को मिलती है। टीपीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक मिलिटेंट ग्रुप जो कि पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में ऑपरेट करता है। उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस पर आए दिन कई हमले किए। पिछले साल 2022 में उन्होंने लगभग 367 अटैक्स किए और लगभग 1105 सिक्योरिटी पर्सनल्स और इनके फॉर्मेंट्स को मार दिया गया। खैर दोनों तरफ की सरकारें जो भी सोचती हैं, मगर पश्तून लोग ये चाहते हैं कि उनकी ड्यूरेंट लाइन को अबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ की पश्तून ट्राइब्स सेम कल्चर फॉलो करती हैं। हालांकि फिलहाल ऐसा होने की संभावना कम है, मगर अब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है तो कुछ भी हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो से ड्यूरेंट लाइन के बारे में कुछ जानकारी मिली हो और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसी ही जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।